एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2020 और 2021 के स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि 20 वाले स्टूडेंट्स आपका स्किल कंडक्ट होने जा रहा है, 21 वाले स्टूडेंट अभी आपके पास रिटर्न है, फिर स्किल है, फिर भी आप कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ लेनी चाहिए स्किल के बारे में कि किस तरीके से स्किल का जो प्रोसीजर होता है वो रहता है, डेमो स्पीच दी जाती है या नहीं दी जाती है, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर आपने अच्छा बनाया, कहीं ना कहीं मुझे भी इससे अप्रिसिएशन मिलता है। बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले क्या होता था 2018 के पहले कि आपका जो स्किल जब आपका होता था, उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और हर डॉक्यूमेंट की दो दो फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड आपकी वहां पे सबमिट होती थी। लेकिन 2019 में अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आया, अलग से कराया गया। मे बी 2020 में ओल्ड जो पैटर्न है वो रिस्टोर किया जाएगा, वो एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा, नहीं तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको ऑलरेडी इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दूंगा, वहां पर भी आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब होता क्या था, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता था, उसके बाद एक एक बैच वाइज आपका क्या रहता था कि आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होता था। उस टाइम पे आपका क्या है कि स्पीच स्टार्टिंग में एक डेमो स्पीच आपको दी जाती थी, एक या दो मिनट की। जैसे ही डेमो स्पीच आपकी खत्म होती थी, उसके बाद आपका ये बोला जाता था कि 10 सेकंड में आपकी ओरिजिनल डिक्टेशन जो है वो आपकी स्टार्ट होगी, तो आप सभी रेडी रहे। 10 सेकंड का पॉज होता था, उसके बाद आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाती थी, जो भी अध्यक्ष महोदय श्रीमान या जो भी रहता था। फिर जैसे ही आपका 10 मिनट कंप्लीट होता था, ठीक, उसके बाद आपका 10 मिनट आपको टाइम मिलता था पढ़ने का, और इसके बाद फिर आपको सिस्टम अलॉट किया जाता था टाइपिंग के लिए। उसके लिए पहले आपको डेमो जो आपने टाइप किया होता है वो टाइप करना होता था, फिर इसके बाद आपका जो ओरिजिनल डिक्टेशन उसको टाइप करने के लिए मैटर आता था। डेमो में आप चेक कर सकते हो, अगर कीबोर्ड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज इसको करा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं चेंज करा सकते हो, आपको फोर्स करना पड़ता है, कई बार वो लोग खुद कहते हैं, लेकिन आपको कहना है कि नहीं हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है हर हाल में, क्योंकि वहां पर इसी वजह से डेमो आपको टेस्ट अलग से दिया जाता है। अब यहां पे एक जो भी नोटिस आया है 23 मई को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उसके हिसाब से एक चीज ये लिखी हुई है कि जी में लिखा हुआ कंपल्सरी टाइम टू एलिजिबल कैंडिडेट विल ओनली बी परमिसेबल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अलग से आपको कोई भी टाइम जो 10 मिनट आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए वो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको सीधा डिक्टेशन में सीधा सिस्टम मिल जाएगा, वहां पर उसको पढ़ के आप उसको टाइप कर सकते हो। जो पहले आपका टाइम मिलता था वो इस बार नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जो चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे चेंज हुई है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा भी कुछ अदर जो चीजें जो आपको नहीं पता होंगी वो भी मैं बता दूंगा, जितने भी ओल्ड पुराने कैंडिडेट्स हैं मे भी उनको पता हो, फिर भी आप देख लीजिए, कुछ नया मे भी हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहली चीज, आपका जो प्रिंट आउट है, पहले क्या होता था कि आप जब टाइप करते थे मैटर, उसका एक प्रिंट आउट होता था, और जो अपने शॉर्टहैंड लिखी होती थी उसको उसी में लगा के पिन करके वो चीज सबमिट हो जाती थी, और उस पर रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आपकी लगती थी। लेकिन अभी क्या है कि प्रिंट आउट जो है वो आपका नहीं लिया जाएगा, आपका जो ऑनलाइन डिक्टेशन वही सिर्फ आपकी चेक होगी, पहले भी चेक होती थी लेकिन प्रिंट आउट फिर भी रहता था, इस बार आपका प्रिंट आउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आपने सीखी है, तो आप इंग्लिश में यूएस वाला जो कीबोर्ड है, ठीक है, इंग्लिश यूएस वाला वही आप चूज करिएगा कीबोर्ड लेआउट, और दूसरा मत चूज करिएगा, क्योंकि यूएस और यूके में कुछ चीजों का बेसिक से डिफरेंस होता है, जैसे सिविलाइज्ड में एस होता है, जेड होता है, इस तरीके से। तो यूएस वाला ही चूज करिएगा, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि इसी वजह से इंग्लिश शॉर्टहैंड आपको उतनी आसान नहीं है, ठीक है। बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो लेआउट है जिसमें आप टाइपिंग करते हो, चाहे मंगल हो, कृतिदेव हो, रेमिंगटन गिल, सीबीआई या गेल वाली हो, ठीक है, वो आप अच्छे से बहुत ही कामली चूज करिएगा, ऐसा ना हो कि आप गलत चूज कर दो, बहुत ही ध्यान से आप चूज करिएगा, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, जरा सी मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही बीएच कैंडिडेट्स के लिए वो ब्रिल आपको टाइपराइटर आपको लाना है, ठीक है। इसके अलावा वो अलग से आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड और शॉर्ट हैंड की नोटबुक आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी आपको पेन या पेंसिल जो भी आपको लाना है, इरेजर शार्पनर लाना है, वो आप अपनी तरफ से कैरी करके लाइएगा। और जितने भी स्टूडेंट अगर आप पेन से लिखते हैं तो आप 2 पेन रखिएगा, पेंसिल से लिखते हैं तो आप 2 पेंसिल रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपकी पेंसिल वगैरह टूट जाती है, पेन अगर जरा भी हो पाए तो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और डेमो का जो लिंक है वो इस बार आपने आपका दिया हुआ है, जो कि आपका कैंडिडेट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, वहां से जाके आप एक बार चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा
कि जो डिक्टेशन बोली जाती है वो डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ का जो कैंपस होता है वहाँ के उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि अभी आपको सिर्फ एक हैबिट डालनी है लिसनिंग की, जितने भी कैंडिडेट 2020-2021 के ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है। आपको लगता है अरे बहुत टॉप लेवल के स्पीकर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वहाँ पे स्पीकर कई जगह बहुत अच्छे होते हैं, कई जगह उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आपकी जो लिसनिंग पावर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको इस टाइम पे आपको डिक्टेशन लिख लेते होगे, लेकिन अलग अलग जो वॉइस होती है उनमें आप लिखने, कई बार वॉइस अच्छी वाली भी लिखो, कई बार खराब वाली भी, क्योंकि जब आपके ईयर्स को हैबिट हो जाती है हर टाइप की वॉइस सुन के उसको डिक्टेट करके लिखने की, तब आप परफेक्ट हो जाते हो। क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहने के अप्स एंड डाउन्स में आपको डिक्टेशन लिखनी होती है। यही कारण है कि हर बार लगभग 1/4 या 1/5 बच्चे ही स्किल में पास हो पाते हैं जितने स्किल देने जाते हैं। आप नहीं मानो तो देख सकते हो 2019 का रिजल्ट आपका यही है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 2019 में 150 के ऊपर जो यूआर की कट ऑफ है 150 के ऊपर ही जाएगी, तो 150 ही आपकी लास्ट ईडी की रही थी। मैंने आपको बताया था क्योंकि वैकेंसी कम थी, 15 जो नंबर उठी थी रिटर्न से वही। और यही मैं हर बार ये बात कर रहा हूं, 2020 में आप देख लीजिएगा कि आपकी जो रिटर्न कट ऑफ है उससे लगभग लगभग 10 से 11 नंबर ही आपकी फाइनल में कट ऑफ उठेगी, बाकी इसके अलावा आपकी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये मैं ये बात कह रहा हूं, 2019 में नहीं मानो आप वीडियो वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत रहिए। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहने के बाद भी आप फेल हो जाते हो, तो इस टाइम आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा अलग अलग वॉइसेस में आपको डिक्टेशन आपको सुन के वो लिखनी है कि आप उस वॉइस को कंफर्टेबली सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, आपको स्किल से कोई नहीं बार कर सकता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको कोई नहीं बता सकता है। सब कहते हैं अरे स्किल करो, ये करो, डिक्टेशन लिखो, ये करो, लेकिन ये चीजें आपको बेसिक कोई भी नहीं बताता। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट अभी 2019 का जितना रिजल्ट है, इतने सारे कैंडिडेट पास हुए, इवन लिटरली मुझे 2-3 कैंडिडेट्स से मुझे पर्सनली मिलने आए, कॉल की, मुझे इतना खुद रियल में अच्छा लगा। आप नहीं तो वीडियो देख सकते हो, मैंने उस दिन भी रात में बनाया था। मतलब इवन मुझे खुद अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लोग नहीं पास हो पाते तो मुझे खुद बुरा लगता है। तो ऐसे में आप सभी बस मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा और कोशिश करो कि पास हो जाओ। बाकी और भी अपडेट्स आते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एडमिट कार्ड्स के बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके।